हो। और अहले बहिश्त दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया। भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बे इंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे, उन दोनों यानी बहिश्त और दोजख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे और वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोजख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजो। और अहले आराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनों तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे।